अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए हम एक के जी भिंडी लेकर आए थे जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेडी फिंगर, और उसके साथ ये हम लेकर आए थे ऑनियन प्याज आधा के जी, और साथ में दो टमाटर थे बारीक सी कटी हुई हैं, और 10 से 12 मिर्ची हैं जिसको रेड चिली भी कहते हैं, चिली भी कहते हैं। आज जो है हम भिंडी का सालन बना रहे हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमने ऑयल डाल दिया था पतीले में और आग लगा दी है नीचे। इसके अंदर जो भिंडी हमने काटी हुई थी ये आप देख सकते हैं, ये भिंडी डाल रहे हैं हम फ्राई होने के लिए ना। ये टाइम बिल्कुल कम होता है हमारे पास, ये इसलिए जो है हम थोड़ा सा भिंडी को फ्राई कर लेते हैं ताकि भिंडी की जो अंदर का हिस्सा है जो कच्चा रह जाता है तो वो पक चुका होता है ना फ्राई में, देख सकते हैं। अब पहले भिंडी फ्राई कर रहे हैं, सबसे पहले भिंडी फ्राई कर रहे हैं। अब इसी ऑयल में जो है इसका जो ऑयल निकलेगा उसी ऑयल में हम जो है अपना ऑनियन जो हमने काटी हुई थी प्याज तो वो उसको फ्राई करेंगे फिर हम। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमने जो भिंडी रखी थी लगभग जो है 40% हो चुकी है, पक चुकी है। अभी और हम 20% और पकाएंगे इसको। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमने पतीला उतार दिया था क्योंकि भिंडी जो है हाफ डन हो गई थी और हमने भिंडी जो है ढूंगे में निकाल के रख दी है, और जो ऑयल था ये आप देख सकते हैं जो हमने ऑयल डाला था ये वापस ऑयल इसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, पतीले में। और इसी में हम जो है ना ऑनियन प्याज जो है ब्राउन करेंगे, प्याज को पकाएंगे और टमाटर पकाएंगे इसी ऑयल में ना। और ये भिंडी हमारी हाफ डन हो चुकी है ना। नाज़रीन आप देख रहे हैं ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज डाल रहे हैं हम जो हमने प्याज काटी हुई थी आधा केजी के करीब थी ऑनियन, ये इसी ऑयल में डाल दी हमने। हमने वो पतीला रख दिया है दोबारा आग से, नीचे देख सकते हैं आपके आग लगी हुई है हमारी। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारी प्याज जो थी वो हाफ डन हो चुकी है, और उसके अंदर हम टमाटर और जो हरी मिर्ची काटी हुई थी ये देख सकते हैं आप, दो टमाटर थे और 10 में से 12 हरी मिर्ची थी, अब वो हम अंदर इसमें ऐड करेंगे। इसको हम मिलाएंगे, घुमाएंगे अच्छी तरह से ताकि ये भी ब्राउन थोड़ी सी हो जाए। और नीचे देख सकते हैं आग लगाई हुई है हमने। बस आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की जो बेल आइकन है उसको दबाएं ना, और अपने जो दोस्त यार अजीज और करीब हैं आपके उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम बना के और रेसिपी बनाएंगे जो घर में बनाते हैं वैसे ही नॉर्मल, जो सालन होता है जिसको सालन शेप कहते हैं हम, वो वीडियो हम बनाते हैं और रखेंगे ना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आप देख रहे हैं अब ड्यूरिंग द वीडियो हम बना इतना नहीं सकते, तो इसको अभी हमने जो है ना मसाले भी डाले थे इसमें, एक चम्मच नमक का डाला था, एक चम्मच लाल मिर्ची डाली थी, और उसके साथ एक चम्मच पिसी हुई धनिया डाली थी हमने सूखी हुई, और एक चम्मच हल्दी डाली थी, ठीक है। अभी आप अपने हिसाब से जितनी आपके पास भिंडी होगी उस हिसाब से आप तो नमक वगैरह मिर्ची वगैरह डाल सकते हैं, और अभी इसको मिक्स कर रहे हैं हम। आप देख सकते हैं आग अच्छी खासी लगाई हुई है नीचे हमने, और हमारी रेसिपी बन रही है आपके सामने। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारी ऑनियन प्याज जो है वो फुल डन हो चुकी है, फुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने भिंडी जो निकाली हुई थी हाफ डन करके, ये आप देख सकते हैं ये भिंडी निकाली हुई थी हमने, अब ये इसके अंदर मिक्स करेंगे हम ना। देखिए हम मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिला रहे हैं, हम
हमने आग बिल्कुल ख़त्म कर दी है, बिल्कुल कोयले जो थे आग के वो रखे हुए हैं, और इसको हम जो है दम पे रख रहे हैं। भिनी को 10 मिनट के दम पे रखेंगे हम, क्योंकि भिंडी जो है ऊपर से पक चुकी होती है, जो हमने हाफ डन की थी भिंडी को, पर जो अंदर से है भिंडी वो हल्की सी कच्ची रह जाती है, तो इसलिए हम जो है उसको दम पे रखेंगे। और इसके अंदर अब मैं धनिया ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि धनिया की खुशबू जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और भिंडी के अंदर और सालन के अंदर धनिया डालना ज़रूरी है। धनिया डाल दिया मैंने, और अब इसको हम रख देते हैं दम पे ना, ये 10 मिनट के दम पे रख रहे हैं हम इसको। 10 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे भिंडी। नज़र आप देख रहे हैं 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हम इस पे दम से निकाल रहे हैं इसको, और ये देख सकते हैं आप हमारी भिंडी माशाल्लाह पक चुकी है, और ये बिल्कुल कलर भी आया हुआ है भिंडी का, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से हमारा कलर आया हुआ है भिंडी में, और माशाल्लाह बेहतरीन बनी हुई है भिंडी। और हमने इसको दम पे रखा था 10 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं ये भिंडी का लुक आया है। यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें भी कहें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ने के बाद ना। आप देख सकते हैं ये हमारी भिंडी तैयार हो चुकी थी, और बस आपकी दुआओं में आप याद रखें हमें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दुआओं में याद, जज़ाकअल्लाह।